नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स के बारे में और क्वांट एक्टिव फंड के बारे में हम रिव्यू करेंगे। दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं, इनमें सेबी के नियमानुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों ही कैटेगरीज में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और बाकी का 25% वो इन तीनों में से फंड मैनेजर इन तीनों में से किसी भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में भी 25-25% का एलोकेशन होने के कारण ये फंड्स काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने में एबल हो जाते हैं। और ये जो अदर कैटेगरीज की अपेक्षा, जैसे कि लार्ज कैप की अपेक्षा, ये फंड्स थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की भी होते हैं लार्ज फंड्स की अपेक्षा, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ये में भी इन फंड्स में एक्सपोजर होता है। सो अपने अगर एक ही म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सो मल्टी कैप फंड्स आर बेस्ट फंड्स। तो मल्टी कैप आपके लिए बेस्ट फंड होगा। सो देख सकते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न इनका 18-22% अभी तक रहा है और रिस्क फैक्टर बैलेंस हो जाता है, क्योंकि 25% ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डाइवर्सिफाइड हो जाता है आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के में इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड के द्वारा। सो अगर आप एक ही फंड के द्वारा कई फंड्स में इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो मल्टी कैप आपके लिए बेस्ट फंड रहेगा। क्वांट एक्टिव फंड देख सकते हैं, इसका रिव्यू करेंगे आज हम। करंट एनएवी 744 रुपये हैं और आप देख सकते हैं ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और इसके फंड मैनेजर संजीव शर्मा, अंकित पांडे हैं। और आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ने इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छा खासा बीट किया है। देख सकते हैं इस फंड ने 22% रिटर्न दिया, जबकि बेंचमार्क ने केवल 14.2% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 22.6% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम टाइम में। और पिछले 5 सालों में देख सकते हैं इस फंड ने 31% का रिटर्न 31.6% रिटर्न दिया, जबकि इसकी बेंच मार्क निफ्टी 500 ने 17.5% का रिटर्न दिया है। सो लॉन्ग टर्म में और पिछले 5 साल या 3 साल में देखेंगे तो इसने अपने बेंच मार्क को अच्छा खासा बीट किया है और INDMoney मनी द्वारा इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है परफॉर्मेंस में 85% और रिस्क मैनेजमेंट 26%। सो ये क्वांट का फंड थोड़ा सा अदर फंड्स की अपेक्षा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। प्रोज आप देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी रिटर्न्स जनरेट करता है कंसिस्टेंटली और बीट्स अपने बेंचमार्क को इसने लगातार बीट किया है और आउट परफॉर्म बेंचमार्क ड्यूरिंग बुल रन। सो कौन से देख सकते हैं हाईली वोलेटाइल विद इन कैटेगरी, इस अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड्स होते हैं कौन के, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड प्रोटेक्टिंग कैपिटल इन बियर फेस। सो जब मार्केट बियरिश होता है तो ये अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में उतना अच्छा खासा इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है और रिकवरी लॉस को रिकवर करने में भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड पुअर ही रहा है। सो आगे देख सकते हैं ओवरव्यू में, एक्सपेंस रेशियो 0.62% है, बेंचमार्क इसका है S&P BSE 500 इंडिया टियर इंडेक्स, AUM 10,204 करोड़ है और 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। मिनिमम SIP 1,000 रुपये कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपये है। एग्जिट लोड 1% है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है इसमें। टर्नओवर 108% का है, सो बहुत ज़्यादा ही टर्नओवर रेशियो है, इसी वजह से इस ये फंड्स थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के रिटर्न 27.4%, 1 साल में 55% का रिटर्न दिया, जबकि बेंच मार्क ने केवल 37.6% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 25.7% का रिटर्न दिया है इसने इस फंड ने, जबकि बेंचमार्क ने 17.2% दिया। पिछले 5 साल में देख सकते हैं 31.6% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जबकि
बेंचमार्क ने केवल 17.4% का रिटर्न दिया है। और एलोकेशन देख सकते हैं, जैसा कि मिड कैप में 25.6% है, स्मॉल कैप में 26% है। सो सेबी के नियमानुसार इसमें मिनिमम 25% एक्सपोजर इन तीनों ही लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में इसको रखना ही होगा। इसलिए देख सकते हैं मिड कैप में 25.6% और स्मॉल कैप में 26% की होल्डिंग है, और लार्ज कैप में 37.5% की होल्डिंग है, और बाकी डेप्ट और कैश में है। सो आप देख सकते हैं सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.7% है, इंडस्ट्रियल में 18.2%, टेक्नोलॉजी में 7.1% है, हेल्थ में 6.6%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.5% है, बेसिक मटेरियल्स 18.2%, एनर्जी में 14.5%, यूटिलिटीज़ में है 6.7%, कंज्यूमर साइक्लिकल 4.5% और कम्युनिकेशन में 0.9%। और आप देख सकते हैं अप्रैल में 8.3% का इस फंड ने रिटर्न दिया था, जबकि बेंचमार्क ने केवल 2.46% का रिटर्न दिया था। और एम देख सकते हैं मार्च में 8.7 करोड़ था, 8,700 करोड़ था, जबकि अप्रैल में 9,800 करोड़ हो गया इसका एम, बढ़ गया। और अब देख सकते हैं होल्डिंग्स, इक्विटी नंबर, इक्विटी में 51 कंपनियों में इस फंड में पैसा लगा हुआ है। देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है 9.5% की होल्डिंग है, अडानी पावर में 4.43, अरविंद फार्मा में 3.9% की होल्डिंग है, ये फाइनेंशियल में 3.85 और जिंदल स्टील में 3.23% की होल्डिंग्स है। और पीयर एनालिसिस में आप देख सकते हैं क्वांट को फर्स्ट रैंक दिया गया है, पिछले एक सालों में 54% का रिटर्न है इसका, और पिछले 5 साल में 31.6% का रिटर्न है। सो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं सिंस इंस्पेक्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ है 22.6% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, लगभग 11 साल हो गए इस फंड को लॉन्च होने में हुए। और आप देख सकते हैं जो इस कैटेगरी के सभी फंड है, सभी इन सभी फंड्स में से सबसे ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने दिया है। सो अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है। और कंसंट्रेशन एनालिसिस में आप देखेंगे नंबर ऑफ होल्डिंग 68 अप्रैल में थी, और टॉप 5 कंपनीज में जो कंसंट्रेशन 26.1% का है, कंपनी हैविंग हाईएस्ट एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज में है 9.7% का, नंबर ऑफ सेक्टर 11 सेक्टर्स में पैसे लगे हुए हैं इस फंड में। टॉप 5 सेक्टर में जो कंसंट्रेशन देखेंगे 97.2% का है। सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोजर है वो है गवर्नमेंट 27.6%, यानी बॉन्ड्स, डेप्ट और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है इसमें। और आप देखते हैं लास्ट 5 साल में इसने अपने कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया है, और इस फंड का लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 0.62, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.23% है। लास्ट 6 मंथ्स में 52.7% ग्रोथ हुआ है इसके एयूएम में, 6,680 करोड़ से 10,200 करोड़ के लगभग पहुंच गया ये एयूएम पिछले 6 महीनों में ही। सो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया, इसलिए लोगों ने इसमें विश्वास करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हैं इसके फंड मैनेजर संजीव शर्मा हैं और अंकित ए पांडे हैं, और अच्छा खासा फंड है ये, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड मैनेजर से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं थोड़ा सा लार्ज कैप के अपेक्षा और मिड कैप के अपेक्षा ज़्यादा ही रिस्की होते हैं, सो अपना रिस्क एपेटाइट देख कर ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा जिन 5 साल से ऊपर है तभी इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा आप लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।